डिजिटल फाइल और डेटा को स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव सबसे सस्ता और पोर्टेबल साधन है। आज के टाइम में जो दिन भर में कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करते हैं वो क्या करते हैं, आमतौर पर अपना जो डेटा है वो बैकअप लेने के लिए पेन ड्राइव का है वो इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कुछ ज़रूरी डेटा होने के कारण पेन ड्राइव में पासवर्ड लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर अपना जो पेन ड्राइव है वो हम लोग किसी को भी दे देते हैं मांगने पे, या हम लोग कहीं पे रख देते हैं जिसे हमारा कुछ ज़रूरी डेटा होता है वो कंप्यूटर में लगा के वो डेटा लीक होने का चांस रहता है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि जब हम पेन ड्राइव को पासवर्ड लगा देते हैं तब हम लोग पेन ड्राइव को कहीं रख के भी भूल जाते हैं, तब हमारा डेटा जो है लीक होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता, क्योंकि जैसे ही वो अपने विंडो सिस्टम के अंदर उसको कनेक्ट करेगा तो उसको पासवर्ड है वो लगाना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि अपने पेन ड्राइव में पासवर्ड सेट कैसे करें, वो भी विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि पेन ड्राइव को वो कैसे पासवर्ड सेट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, अपना पेन ड्राइव है वो अपने लैपटॉप में या आप डेस्कटॉप से लगा रहे हो तो आपके डेस्कटॉप के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है। तो मैंने पेन ड्राइव को लगा दिया है, अब लैपटॉप में क्या करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो पेन ड्राइव है वो लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ नीचे ये पेन ड्राइव है वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, 32 GB पेन ड्राइव है। अब सिंपली आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते हो तब आपको यहाँ पे टर्न ऑन बिट लॉकर नाम से ऑप्शन दिखाई देता है। यदि आप ओल्ड विंडो यूज़ कर रहे हो तो शायद ये ऑप्शन आपके ओल्ड विंडो में न आए। यदि आप न्यू विंडो 7 भी यूज़ कर रहे हो, विंडो 10 यूज़ कर रहे हो या विंडो 8 कर रहे हो जो न्यू हो, उसके अंदर आपको टर्न ऑन बिटकॉइन लॉकर का ऑप्शन दिखाई दे देगा, लेकिन पुराने विंडो के अंदर वो दिखाई नहीं देगा। यदि आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपका जो विंडो है वो ओल्ड विंडो है। तो चलिए अब करते हैं, सीखते हैं। यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, टर्न ऑन बिट लॉकर पर ऑन कर देना है। जैसे ही यहाँ पर ऑन हो जाता है तब आपको यहाँ पर यूज़ पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको सेट करना है। तो आप कोई भी पासवर्ड है वो लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा रहा हूँ तो कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे सेट कर सकते हो जो आपको लगाना है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड है वो सेट कर दिए हैं, जो मेरे को पासवर्ड लगाना था वो मैंने यहाँ पे पासवर्ड है वो सेट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट पे है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तब आपको यहाँ पे सेव योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या सेव द फाइल, तो इस फाइल को भी आप कहीं सेव करना चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ पे तो इस फाइल को सेव कर लीजिए आप, मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे आपने सेव किया आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए, यूज ऑलरेडी इन PC या फिर आप तो अब यहाँ पे कोई भी आप सिलेक्ट कर लेना ऑप्शन, दोनों में से आपको जो भी सिलेक्ट करना है, मैं फर्स्ट वाला सिलेक्ट करके और नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ जो न्यू वाला है, न्यू मोड द बेस्ट फिक्सेस ऑन डिवाइस। तो यहाँ पे आप करके और यहाँ पे स्टार्ट कर देना। जैसे आप स्टार्ट करोगे तब आपका जो पेन ड्राइव है वो लॉक हो जाएगा, तब आपको दिखाई दे रहा होगा कि पेन ड्राइव वो है कंप्लीटेड हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। जैसे ही पूरा लॉक वाला ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे परसेंटेज आ रहे हैं वो पूरे जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं तब आपका पेन ड्राइव वो लॉक हो जाएगा। तो विदाउट एनी सॉफ्टवेयर आप किसी भी पेन ड्राइव को लॉक कर सकते हो। और अनलॉक करना वाला जो वीडियो है वो ठीक इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप जैसे इस बिट लॉकर से यदि आप अपने पेन ड्राइव को लॉक कर देते हो और वो पासवर्ड आपको रिमूव करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर है वो मैं बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए वेट कर लेते हैं जब तक ये कंप्लीट न हो जाता है। तो चलिए वेट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है अपना जो प्रोसेस चल रहा था वो, और यहाँ पे कंप्लीटेड आ भी चुका है। अब यहाँ पर आपको सिंपली है वो क्लोज करना है। अब जैसे ही आप अपना USB या ड्राइव जो भी आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपसे वो लॉक मांगेगा। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, एक बार मैं अपने लैपटॉप से इसको रिमूव करता हूँ
और वापस जैसे ही अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करता हूँ या लगाता हूँ तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। और यहाँ पे आपको ओपन करते ही, जैसे आप ओपन करोगे तब यहाँ पे आपके लिए पासवर्ड है वो मांगेगा। तो जो आप पासवर्ड यहाँ पे सिंपली लगा देते हो तो आपका जो पेन ड्राइव है वो अनलॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा, ये देखिए। तो बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही आप किसी भी लैपटॉप का ड्राइव यदि करना चाहो तो सेम आपको यहीं पे करना है, टर्न ऑन बिटकॉइन वाला सेम ऑप्शन करना है। और अभी जो मैंने इस पेन ड्राइव पे जो जो प्रोसेस किया था वो प्रोसेस करना है। तो बहुत ही सिंपल है और इजी है, उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख चुके होंगे। तो दोस्तों बने रहिए टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पेन ड्राइव पर पासवर्ड है वो लगा सकते हो बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है। तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें, और हाँ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।